लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से जो उम्मीदें थी, जनता ने उस पर पानी फेर दिया। बीजेपी की झोली में 80 में से आधी सीटें भी नहीं आई। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी इस बार महज 33 सीटें ही ला सकी। इस हार के बाद बीजेपी में महामंथन का दौर जारी है, साथ ही उसके नेता हार के कोई न कोई कारण बता रहे हैं। अब कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद और अखिलेश से हारने वाले सुब्रत पाठक ने भी बीजेपी की हार पर बयान दिया है। सुब्रत पाठक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर उन कारणों में से एक बड़ा कारण है पेपर लीक। आखिर क्या कारण है, बार बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और इनके आगे हमारा सिस्टम बेबस नजर आता है। इसके आगे पूर्व सांसद ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रुपए की लालच में सिस्टम के अंदर के ही कई लोग इन जैसे लोगों की मदद करते हैं, फिर ये लोग हमारे सिस्टम को दलदल में और धंसा देते हैं। इस पूरे सिस्टम का खामियाजा हमारे देश के कमजोर और गरीब तबके के छात्रों को झेलना होता है। यही कारण है कि गरीब गरीब ही रह जाता है, हमारा सिस्टम उसके हिस्से की नौकरी और डिग्री खा जाता है। आरक्षण का लाभ भी इन नकल माफियाओं के कारण ही उन नकलची बेईमानों को ही मिलता है। सुब्रत पाठक ने अपनी पोस्ट में नेताजी का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह दी। लिखा, बाबू कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही नकल अध्यादेश लागू कर दिया गया था, जिसके कारण नकलचियों और नकल माफियाओं में गजब का भय प्राप्त हो गया था। लेकिन इसका समर्थन तो छोड़ो, मुलायम सिंह जी ने तो विरोध ही कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्व बीजेपी सांसद ने इस सिलसिले में एक और पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि नकल माफियाओं को मिले इस जबरदस्त समर्थन के बाद तो नकल का नंगा नाच हुआ। पोस्ट के आखिर में सुब्रत पाठक बोले, जनता के दबाव में विपक्ष का समर्थन भी और अब तो मजबूत कानून भी। देखते जाइए, अब इन शिक्षा माफियाओं की खैर नहीं और ये पेपर लीक जैसी विसंगतियां भूली बिसरी यादों में ही रह जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।